हाथरस कांड की आड़ में जातीय दंगा भड़काने के मामले में गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को मथुरा की सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल पुलिस ने मथुरा एक्सप्रेस वे पर चेकिंग के दौरान चारों संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह सहित गैर कानूनी अधिनियम और आईटी एक्ट की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों ने पूछताछ में पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से लिंक होने की बात कबूल की है। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों के पास से कुछ पैम्पलेट भी मिले हैं। साथ ही जांच में पाया गया कि ये लोग शांति भंग करने के लिए हाथरस जा रहे थे। इनके पीछे एक बड़ी साजिश थी। जनपद मथुरा के थाना माठ में आज एक मुकदमा अपराध संख्या 199/2020 पंजीकृत किया गया। इस मुकदमे से संबंधित चार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा इन सभी चारों को जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया गया है। इस विवेचना में सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली से हाथरस जा रहे चार संदिग्ध युवकों को एक्सप्रेसवे के माट टोल पर चेकिंग के दौरान अरेस्ट किया था। इनके कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप सहित संदिग्ध साहित्य और जो शांति व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकती थी उन्हें बरामद किया गया। फिलहाल चारों आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर भेजे जाने के बाद अब ये माना जा रहा है कि पुलिस पूछताछ में कुछ और भी खुलासे कर सकती है। मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।